This is me, Deboshree, and welcome back to my channel, The Bongogenic. So here I come up with my new series, that is self-care or pamper routine series, where I'll be posting series of episodes regarding your self-care, and in that, today's first video is regarding those products which I love. Love means I just love them and I repurchase them again and again when I finish them off. तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करूंगी, एक पर्टिकुलर ऐसा ब्रांड शेयर करूंगी जो अफोर्डेबल तो है, उसके साथ ही उसमें पैराबिन फ्री है. वो सबसे पहली चीज़, केमिकल्स बहुत ज़्यादा कम आपको मिलेंगे. आपकी स्किन चाहे नॉर्मल हो, ड्राई हो या ऑयली, तीनों में इट विल एक्ट वेरी नाइसली. एंड स्पेशली जो बॉटल्स हैं दे आर वेरी कन्वीनियंट, दे आर नॉट ग्लास बॉटल्स, दे आर प्लास्टिक बॉटल्स. पैकेजिंग बहुत अच्छी है. तो ये ब्रांड अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंक्लूड करते हैं आपका हेयर केयर, आपका फेस केयर, आपका स्किन केयर, आपका मेकअप रूटीन. जब आप मेकअप चेंज करते हो उसके लिए जो आपको क्लींजर की ज़रूरत पड़ती है, ऑल दीज प्रोडक्ट्स आई हैव इंक्लूडेड इन माई टूडेज रिव्यू एपिसोड. तो यहाँ मैं रिव्यू करूँगी अपने फेवरेट ब्रांड का, जिस ब्रांड की चीज़ें मैं हमेशा परचेज करती हूँ, रीपरचेज करती हूँ और अपने स्टॉक में भी रखती हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट वर्क विदाउट देम, बिकॉज माई वर्क इज टू पुट ऑन मेकअप. सो अगर मैं मेकअप यूज कर रही हूँ अपने स्किन पे, तो मेरा स्किन कितना डैमेज हो रहा है उस मेकअप की वजह से, दैट हैज टू बी रिस्टोर्ड. तो उसे रिस्टोर करने के लिए मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे जिसमें कम से कम केमिकल हो, पैराबिन फ्री हो और जो मेरी स्किन टाइप को सूट करे. यस, नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विद माई टूडेज वीडियो. सो वीडियो में जाने से पहले डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, डू सब्सक्राइब टू माई channel, and if you are new, hit that bell button which is there on the side. So let's start with today's video. So as you can see, I have a basket of goodies over here. Yes, ye aapke skin ke liye goodies hi hai, because they are very important for your hair, for your skin, for your overall self-care, or you can say agar aap apna acche se dhyan rakhna chahte ho to ye sab cheeze aapke paas honi chahiye. I know that you are using any other brand, koi compulsion nahi hai ki aap yahi brand use karo. Maybe you are using Nivea, maybe you are using Pond's, aur bhi bahut sare aajkal brands हैं, अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं, लेकिन मैं अपनी पसंद यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. इट इज़ नो प्रेशर ऑन यू गाइज. आप देखो कि ये प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू, बिकॉज इनको मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ और रिपर्चेज भी कर रही हूँ. सो हियर एज यू कैन सी आई हैव मैनी बॉटल्स और इन सबका एक एक करके मैं आपको रिव्यू दूंगी. यहाँ पे मैं स्किन वाइज या हेड टू टो जाऊंगी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालों की. तो इन दिस मॉनसून, जो जब भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये टाइम मॉनसून का चल रहा है और अजीब सा वेदर है, चिपचिप वेदर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है. इस टाइम पे हर दो या तीन दिन में, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट, यू आर गोइंग जिमिंग, और अभी तो सारे जिम्स बंद है, तो आप बेसिकली घर पे कर रहे हो या फिर आप वॉक पे जा रहे हो, आप घर के काम भी अगर कर रहे हो, तो एक दो दिन में आपके बाल एकदम चिपचिप हो जाते हैं. तो यू नीड अ गुड शैम्पू. बट शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो और शैम्पू के बाद इफ यू आर नॉट अप्लाइंग कंडीशनर, तो आपके बाल कैसे होंगे, यू नो वेरी वेल. तो यहाँ पे आई एम टेलिंग यू अबाउट माई फेवरेट ब्रांड विच आई एम लाइकिंग पास्ट वन ईयर, दैट इज गुड वाइब्स. सो यहाँ पे मेरे पास गुड वाइब्स के ये सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हैं, ये सारे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स हैं. एंड दीज प्रोडक्ट्स आर अफोर्डेबल एंड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. ये ब्रांड आपको मिलेगा पर्पल साइट पे. आई होप यू ऑल मस्ट हैव हर्ड, ऑल द लेडीज आउट देयर, purple.com एक साइट है जो काफ़ी डिस्काउंट्स भी देती है समय समय पे. अगर सीज़न चेंज हो रहा है तो उस टाइम भी पर्टिकुलर वहाँ पे डिस्काउंट्स आते हैं, सेल आते हैं, और दिवाली, होली ऐसे फेस्टिविटीज़ के टाइम पे भी कॉम्बो ऑफर्स वहाँ पे आते हैं. और एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट का अगर आप, जैसे 1999 तक का अगर आप सामान लेते हो, तो उसके ऊपर अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं. एंड गिफ्ट्स ऑल्सो आर वेरी गुड एंड नाइस आपके स्किन से रिलेटेड.
रिलेटेड, मे बी आपके मेकअप से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले ये लास्ट ईयर मंगवाया था एंड आई हैड यूज देयर जेल एंड आई हैड यूज नीम जेल, गुड वाइब्स का नीम जेल मैंने यूज़ किया था एंड आई हैड गॉट एक्ने प्रॉब्लम, और वो एक्ने नहीं, वो गर्मियों से या पसीने से छोटे छोटे दाने मेरे फेस पे हो रहे थे एंड आई यूज टू अप्लाई दैट जेल। तो वो जेल जब मैं रात में सोने जाती थी, आई यूज टू अप्लाई ऑन वॉश्ड फेस, तो वो मुझे इतना आराम देता था एंड माई पिम्पल दे ऑल वेंट अवे, तो मतलब एकदम स्किन एकदम साफ एकदम ग्लो हो रहा था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे मुझे गुड वाइब में इंटरेस्ट होने लगा एंड आई स्टार्टेड परचेजिंग देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आज मेरे पास जो अभी मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करूंगी, उनमें यहाँ पे मैं कंडीशनर की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी गुड वाइब्स के बनाना कंडीशनर की। ऑल दो जब आप साइट पे चेक करोगे तो आपको बनाना के अलावा और भी फ्रूट वेरिएंट्स के कंडीशनर्स मिलेंगे, लेकिन यू नो दैट बनाना इज गुड फॉर योर हेयर, इट इज रिच एंड इट गिव्स यू दैट शाइन विच यू नीड इन दिस मॉनसून सीजन, और आपके जो ये बाल टूटते हैं इतना वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे ये 120 ml का वॉल्यूम है और दिस इज़ 175 रुपीस, इसका कॉस्ट 175 रुपीस है, और यहाँ पे इसमें साफ लिखा हुआ है इसमें शिया बटर है और इथेनॉल तो होता ही है एंड बनाना एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ब्रह्मी है एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर। तो डू ट्राई इफ यू वॉन्ट अ गुड कंडीशनर विच शुड गो हेल्दी ऑन योर हेयर, तो आप गुड वाइब्स का बनाना कंडीशनर, उसके अलावा उसमें कोकोनट का भी कंडीशनर है और भी फ्रूट वेरिएंट्स है, पपाया कंडीशनर है, यस फ्रूटी कंडीशनर्स आपको बालों में लगाने में इस सीज़न में बहुत अच्छा लगेगा, तो जस्ट गो फॉर इट, इट्स वेरी अफोर्डेबल। और इसका 120 ml है, इसका 250 ml, 350 ml ऐसे भी पंप साइज़ के बॉटल्स आते हैं एंड इट्स नॉट ग्लास, इट्स प्लास्टिक, सो इट्स अफोर्डेबल, गिरने का भी कोई डर नहीं अगर गिर जाता है बाई चांस। तो इसके बाद मेरे पास बात आती है हमारे फेस को क्लीन करने की। तो फेस को क्लीन करने के लिए वी नीड अ फेस वॉश। तो यहाँ पे गुड वाइब्स हैड लॉन्च्ड देयर फर्स्ट फोमिंग फेस वॉश, इसके पहले तो जेल फेस वॉश मैंने यूज़ किया था, बट दे हैड लॉन्च्ड दिस ईयर इन जनवरी देयर फोमिंग फेस वॉश। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैंने टी ट्री लिया था, इसमें ग्रीन टी था, एलोवेरा था, इसमें आपका हनी था, इसमें हिमालयन गंगा एंड हनी का मिक्सचर वाला था, आलमंड था, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, मीन्स गुड वाइब्स जो हैं दे ऑलवेज गिव यू अ गुड वाइब व्हेन यू यूज़ देम। इसकी फ्रेगरेंस कोई आपके नाक में नहीं लगेगी, अगर आपको फ्रेगरेंस से इचिंग होती है, आपको फ्रेगरेंस हाई फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही जेन्युइन फ्रेगरेंस है, बहुत ही माइल्ड फ्रेगरेंस है। जो वेरिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेचर से रिलेटेड हैं, एलोवेरा हो गया, आपका जिंजर हो गया, हनी हो गया, फ्रूट्स जितने हो गए, जितने भी फ्लावर्स हैं जैसे लोटस है, सेज है, रोज़ है, इन सब चीज़ों के मिक्सचर से बनी हुई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एंड देर आर वेराइटी, मतलब आपको चेरी ब्लॉसम भी मिलेगा, आपको पपाया भी मिलेगा, आपको क्रिजेंथमम भी मिलेगा, तो देर आर मैनी वेराइटी। तो मुझे स्पेशली मेरी स्किन के लिए एकदम सॉफ्ट चाहिए होता है बिकॉज माई स्किन इज़ नॉर्मल, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, तो आई हैव टेकन टी ट्री। तो ये है 150 ml एंड क्लियरली इसमें मेंशन है देर इज नो पैराबेन, नो सल्फेट एंड नो मिनरल ऑयल, सो इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। और इसमें भी टी ट्री लीफ ऑयल है, रोजहिप ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है एंड कैंडल ऑयल है, परफ्यूम है, थोड़ा सा कलर भी है इसमें, और इसके साथ कुछ केमिकल्स भी हैं, लेकिन दे आर नॉट हार्श ऑन योर स्किन बिकॉज इट इज पैराबेन फ्री, सो यू कैन गो फॉर इट एंड इट्स प्राइस इज 215 रुपीज, अगेन ऑन द अफोर्डेबल साइट। तो ये मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक महीने तक चल जाता है बिकॉज इट्स फोमिंग फेस वॉश, सो बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी लगती है। मूविंग ऑन, जब आपको अपना फेस वॉश कर लिया आपने, लेकिन आपने अगर मेकअप पुट ऑन किया है तो मेकअप कैसे रिमूव करोगे, डायरेक्टली तो फेस वॉश आप लगाओगे नहीं, तो यू नीड मेकअप क्लिंजर्स एंड वन थिंग मोर, ये जो हाइप बना हुआ है कि मेकअप टिशू जो रिमूवल्स होते हैं, टिशू जिससे आप आराम से क्लीन कर लेते हो, ये सब चीज़ों में केमिकल्स होते हैं, इनसे फेस साफ करना ठीक नहीं, यू नीड अ प्रॉपर मेकअप रिमूवर। सो यहाँ पे मेरे पास है गुड वाइब्स का मेकअप क्लिंजिंग लोशन, सो ये आप देख सकते हो, इट इज़
इन अ मॉइस्चराइजर फॉर्म. ये कोई भी सोपी एक्सट्रैक्ट नहीं है इसमें. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लोशन, मेकअप क्लिंजिंग लोशन, ऑयल कंट्रोल, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस इन दिस वेदर गेट ऑयली स्किन. वो चिपचिपा और ह्यूमिडिटी से जो चिपचिपापन हो जाता है ये उसको भी हटाएगा. और साथ में ये लोशन फॉर्मेट में है. आपको हाथ में पंप थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पे जैसे आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो ना, ठीक वैसे ही इसको मॉइस्चराइजर की तरह बहुत ही हल्के हाथों से आपके फेस को क्लीन करना है. और फेशियल तो मैं आपको अपने इसी सीरीज़ के कोई एक एपिसोड में मैं दिखाऊंगी, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कैसे आपको अपने फेस को क्लीन अप करना है, कैसे स्क्रब करना है, तो वो हम डिटेल में तब जाएंगे. बट यहाँ पे जब आप इसको यूज़ कैसे करोगे, तो इसको थोड़ा सा लिया, जस्ट अ बिट, एंड जस्ट मूव ऑन योर फेस. मतलब आपको फेस पे मसाज पोजीशन में इसको यूज़ करना है एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ. और बहुत ही ईजिली इससे आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा और साथ ही यू विल फील फ्रेश. एंड द फ्रेग्रेंस इज अगेन, आई लव ग्रीन टी, टी ट्री, एलोवेरा, ऐसे नीम एंड तुलसी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादातर मेरी पसंद इन्हीं तरफ होती है. तो आप देख सकते हो कि ये भी ग्रीन टी है. इसमें भी आपको पर्पल पे बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे. एंड दिस इज़ 120 ml अगेन, बिकॉज ये एकदम नए नए लॉन्च हुए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं यूज़ करूँगी इनको. तो नाउ इट्स ऑलमोस्ट हाफ, मतलब आधा मेरा ख़त्म हो चुका है. और ये आपका था 199 अगेन. इट इज़ मतलब ज़्यादातर जो 120 ml की चीज़ें होंगी वो आपको 200-250 के अंदर आराम से मिल जाएंगी. तो इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो आप आराम से, आप नई नई पॉकेट मनी से अगर आप चीज़ें ले रहे हो, या आप नई नई जॉब में हो वेयर यू कैन नॉट, मतलब आप ज़्यादा अपना बजट उसमें नहीं लगाना चाहते हो कोई भी ऐसी चीज़ों में, एंड यू वॉन्ट अ गुड थिंग, मतलब कम प्राइस भी हो, अफोर्डेबल भी हो, बट इट शुड बी ऑन अ क्वालिटी साइड वो हाई हो, तो यू कैन गो फॉर गुड वाइब फॉर श्योर. नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर बॉडी, बॉडी का केयर हम कैसे करें, तो स्पेशली इन गर्मियों में, इन ह्यूमिड में, सोप हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए साबुन से, एंड वी शुड गो फॉर शार जेल, क्योंकि शार जेल आपको जो फ्रेशनेस देता है वो सोप कभी नहीं दे सकता. यू जस्ट टेक अ बिट ऑन लूफा, लूफा को आपने गीला किया एंड जस्ट यू आर गुड टू गो, एंड यू फील फ्रेश व्हेन यू कम आउट ऑफ द बाथ. तो यहाँ पे मैंने दो शार जेल लिए थे, एक मैंने अभी बॉटल ओपन नहीं किया है और एक मेरा ऑलमोस्ट एम्प्टी है, इसमें बहुत ज़रा सा है. तो दिस इज सैंडलवुड एंड वेटिवर, एंड दिस इज लोटस एंड सेज. माइंड ब्लोइंग शार जेल्स दीज आर, मतलब इतना स्मूथ, एंड व्हेन आई जस्ट वॉश इट ऑफ सो माई स्किन इज सो सॉफ्ट, तो यू विल फील द डिफरेंस. एंड आई एम टेलिंग यू, डू ट्राई द स्मॉलर बॉटल्स वंस, आपको खुद अच्छा लगेगा, तब आप इसके 300-350 ml पंप बॉटल्स ज़रूर मंगवाओगे. तो ये मेरा बड़ा बॉटल है, दोनों 200 ml के हैं, एंड देन दे आर प्राइसी, दैट इज 300 के अंदर है, दे आर 225 rupees. तो इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है नो पैराबेंस एंड क्रुएल्टी फ्री. सो ये गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं दे मेंशन इन देयर पंप बॉटल्स और इन देयर ट्यूब्स दैट इज पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री. तो आप बेझिझक होकर इनको ट्राई कर सकते हो. और इसमें देखिए सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट है, एंड देन देर आर मैनी आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन दिस, सो दिस इज़ वेरी गुड. सो जस्ट गो फॉर दीज शार जेल्स. एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्रीम्स की, दैट इज़ इस टाइम पे, क्योंकि ये ऐसा वेदर है कि वी लेडीज़ जब हमें काम पे, आप अगर वर्क पे भी जा रहे हो या आप घर पे भी हो, तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या फेस क्रीम आप अवॉइड करते हो. क्यों? क्योंकि उसको लगाने के बाद हमारा फेस एकदम ऑयली होने लगता है, चिपचिपा होने लगता है. बट यू ऑलवेज रिक्वायर अ गुड डे क्रीम ऑल्सो एंड नाइट क्रीम ऑल्सो इफ़ यू हैव क्रॉस्ड योर 25 years. दैट इज़ आफ्टर 25 हमें अपने स्किन का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बिकॉज वही टाइम होता है जब हमारी स्किन डीजेनरेट होने लगती है. मे बी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, मे बी बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड वर्क, या फिर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद की तरफ ध्यान नहीं देते. एंड सो आई एम हियर विद दिस सेल्फ केयर सीरीज. तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक नाइट क्रीम मंगवाया था, बिकॉज माई स्लीपिंग हैबिट्स आर वेरी बैड. मतलब मुझे बहुत लेट होता है सोने में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ऐसा ही होता है सबके साथ. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. तो यहाँ पे मैंने स्किन ब्राइटनिंग प्लस एज डिफाइंग नाइट क्रीम गुड वाइब्स का लिया था, एंड इट इज़, आई विल शो यू, इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी. मैंने इसको पूरा यूज़ कर लिया है, एंड इट इज़ अ ग्लास कंटेनर. तो यहाँ पे इसमें मेन प्रोडक्ट है सैंडलवुड एंड कैरेट सीड. कैरेट सीड इज़ नोन फॉर इट्स एज डिफाइंग इफेक्ट.
तो यहाँ पे इसको मैं रात में अपना फेस जब मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ एंड जस्ट आई गो टू स्लीप, उसके पहले आई जस्ट अप्लाई इट दैट टू इन अ वेरी स्लो एंड अ मसाजिंग मोशन. ओके, अगेन आई विल टेल यू ऑल द मसाज थिंग्स लेटर. ओके, तो ये मैंने नाइट क्रीम लिया था और गुड वाइब्स का भी डे क्रीम भी यू कैन ट्राई, ऑल्दो आई हैवंट परचेज्ड येट, बट वो भी बहुत अच्छा है, डू गो फॉर इट. एंड ये 50 ग्राम्स का है एंड द प्राइस इज 275 रुपीज़. ये प्राइस ही है लेकिन ये आपका एक महीने के ऊपर आराम से चल जाएगा, बिकॉज वॉट यू नीड इज ओनली दिस मच प्रोडक्ट, डैब 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 एंड जस्ट यू हैव टू मसाज इट. तो बहुत ही थोड़ा सा लगता है तो आपका एक महीने के ऊपर ही आराम से चल जाएगा, तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. नाउ मूविंग ऑन टू DIY मास्क, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. DIY मास्क वैसे तो हम लोग बेसन, हल्दी, मलाई, क्रीम, इन सब से हम लोग कर सकते हैं. एलोवेरा अगर आपके घर पे है उसके जेल से कर सकते हो, चंदन से कर सकते हो. मैंने इसमें गुड वाइब्स ने कुछ ऐसे पाउडर्स, एकदम नेचुरल पाउडर्स इन्होंने इसी साल आई थिंक होली के बाद इन्होंने ये रिलीज़ किए थे. तो इसमें आई वॉज़ वेरी इंट्रीग्ड बाय देयर एड विच वॉज कमिंग वेन आई वॉज ओपनिंग द साइट ऑफ पर्पल, कि इन्होंने इस एकदम प्योर जो क्ले है या फिर रोज है, पेटल है, उनके पाउडर फॉर्म इन्होंने अपने ऐसे बॉटल्स में इनको रिलीज किया है. इसको आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद से इनका DIY हेयर मास्क या फेस मास्क या बॉडी स्क्रब, बॉडी मास्क आप बना सकते हो. तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरे पास है 30 ग्राम्स का प्रोडक्ट ये मिल रहा है, ये है रोज पेटल पाउडर. सो आई विल शो यू दिस इफ इट इज विजिबल ऑन माई कैमरा. ये बहुत ही रफ सा, एंड वेन यू ओपन दिस जार यू जस्ट गेट दैट, जब पंखुड़ियाँ जो होती हैं रोज़ की, उनको अगर आप सुखा दो एंड उनका पाउडर बना दो तो एकदम से जो अच्छी सी फ्रेशनेस वाली खुशबू आती है. और इसको आपको यूज़ कैसे करना है, अगर आप हेयर मास्क बना रहे हो तो इसका भी मैं DIY आपको बना के दिखाऊंगी, मैं अपने सीरीज़ में मैं पोस्ट करूंगी इसका DIY इन दोनों का. सो जस्ट मैं एक जिस्ट में बता देती हूँ, आप इसमें दही डाल के इसको मिला के आप अपने बालों पे एक एक, मतलब बालों को अच्छे से डिवाइड करके एक एक स्ट्रैंड पे आप लगा के आप छोड़ दो एक घंटे के लिए, एंड देन यू फर्स्ट वॉश इट एंड देन यूज़ योर फेवरेट शैम्पू एंड देन कंडीशनर. तो ये बहुत शाइन आपको देगा. और उसके अलावा आप शैम्पू के बाद भी इसको एज अ हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो. इसका बेस्ट रिजल्ट आता है अगर आप इसको कर्ड में डाल के यूज़ करो, या फिर आप इसमें थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हो. इसमें हनी मिला के आप फेस पे लगा के एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हो. और दूसरा जो मेरे पास है दैट इज़ रेड क्ले पाउडर. क्ले आपने सुना ही होगा, आजकल चारकोल भी बहुत ज़्यादा स्किन को सूट कर रहा है सबको, तो यहाँ पे ये रेड क्ले पाउडर है. इसको भी सेम, एंड इट रिक्वायर्स, देखिए कितनी छोटी सी बॉटल है, छोटा सा जार है, और आपको बहुत थोड़ा सा पिंच आपको बस चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं. और उसी से आप इसमें चंदन भी थोड़ा मिला के, उसमें आप गुलाब जल मिला के एक अच्छा सा DIY मास्क अपने फेस के लिए या फिर अपने बालों के लिए आप आराम से बना सकते हो. सो इट विल प्रूव वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल एज फॉर योर हेयर. तो ये दोनों चीज़ें मैंने ली हैं और इन दोनों का मैं DIY मास्क ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी, और ये भी गुड वाइब्स के ही हैं, राइट. और इसके बाद आता है ये छोटू ट्रैवल साइज की दोनों ट्यूब्स जो आप देख सकते हो, बहुत ही छोटे से हैं, जो आपके बैग में आराम से आ जाएंगे. ये लॉन्च हुए थे बहुत छोटे छोटे ऐसे ही, तो मैंने शौक से ये छोटे लिए थे कि मैं कहीं भी जाऊं तो मैं इनको कैरी कर सकूं. इट इज़ मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन पीच गुड वाइब्स का, एंड दिस इज़ प्यूरिफाइंग ग्रीन टी फेस वॉश. ये ट्यूब में है, दिस इज़ नॉट फोमिंग फॉर्म, इट इज़ जेल फॉर्म. तो ये बेसिकली ट्रैवल साइज ऐसे कई किट्स गुड वाइब्स ने लॉन्च किए हुए हैं, कॉम्बो किट लॉन्च किए हैं फेशियल्स के, ऐसे कि अगर आप बड़े फेशियल किट्स नहीं लेना चाह रहे हो, आप पहली बार ट्राई करना चाह रहे हो कि वो कैसा है, तो यू कैन गो फॉर दैट कॉम्बो ऑफर्स और उनको आप यूज़ करो, फिर देन यू कैन परचेज द बिगर बॉटल्स और द पम्प साइज बॉटल्स. और अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, जब मैं अभी घूमने गई थी तो मैं इन छोटे छोटे ट्यूब्स को अपने बैग में रख के ले गई थी, क्योंकि फटाफट के लिए आपके पास एक छोटा सा फेस वॉश या एक छोटा सा मॉइस्चराइजर या लोशन होना चाहिए आपके बैग में. तो ये भी गुड वाइब्स का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो. एंड द लास्ट प्रोडक्ट इन टूडेज गुड वाइब्स का जो मैं ये रिव्यू बना रही हूँ, उसमें लास्ट एंड द मोस्ट गुड एंड एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर योर स्किन वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी, दैट इज़ एसेंशियल ऑयल. येस, आजकल एसेंशियल ऑयल कितना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हम पसंद कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर फेशियल
अगर आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल अपनी पसंद का लगा लिया अपने फेस पे, तो द ग्लो विच यू गेट दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो यहाँ पे मैंने परचेज किया था आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स, जस्ट 10 ml का बॉटल है एंड व्हाट यू नीड इज जस्ट 2 drops, दैट्स इट। तो ये आप देख सकते हो ऐसे इसके साथ ड्रॉपर इसके साथ मिल रहा है एंड दिस इज ग्लास ड्रॉपर, और ये आपको बस अपने स्किन पे 2 drops लेना है एंड यू नो हाउ टू यूज़ इट, और बस अच्छे से मसाज करना है और कुछ भी नहीं लगाना है। तो दिस इज़ एसेंशियल ऑयल गुड वाइब्स का। सो देर आर रेंज ऑफ एसेंशियल ऑयल्स और इनफैक्ट विटामिन सी एसेंशियल ऑयल्स भी बहुत सारे हैं, तो डू चेक आउट पर्पल साइट। सबसे पहले तो पर्पल साइट इंस्टॉल करो एंड देयर जस्ट गो फॉर ऑल दीज गुड वाइब्स प्रोडक्ट। मतलब उसमें स्किन वाइज आपको आएगा, मीन्स इस सबसे पहले आपके क्लींजर, देन फेस वॉश, देन स्क्रब, देन मॉइस्चराइजर, देन लोशन, शार जेल, आपका फेस पैक, हेयर मास्क, ये सब कुछ है गुड वाइब्स में। इनफैक्ट गुड वाइब्स में बीच में कैंडीज़ का रेंज भी निकाला था, अभी मुझे इधर लॉकडाउन के बाद से वो नहीं दिख रहा है। तरह तरह के फ्रूट कैंडीज़ का बहुत ज़्यादा रेंज उसमें आया था। तो आई लव दिस ब्रांड एंड आई विल बी अगेन रीपरचेजिंग इट। सो दिस इज़ जस्ट टू शेयर विद यू गाइज कि भाई आज जब मैंने अपना नया सीरीज शुरू किया है तो क्यों ना उसकी शुरुआत मेरे फेवरेट प्रोडक्ट से हो, और मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकूं कि जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत कुछ लेने का मन करता है बट बजट अपना जो हमारे हाथ में कितना अमाउंट है उस चीज़ के लिए खर्चा करने के लिए उसमें हम उसको छोड़ देते हैं और अपना सेल्फ केयर वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो टोटली मेड इन इंडिया हैं, ये इंडिया के बाहर नहीं बनते हैं। तो भाई इंडिया की चीज़ों को हमें प्रमोट करना है, वी शुड प्रमोट देम, और दे आर यूजिंग देयर बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, देयर आर नो पैराबेन, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रुएल्टी फ्री है, तो इनको क्यों ना हम लोग इनको सपोर्ट करें एंड जस्ट गो फॉर इट वंस। इनके छोटे बॉटल्स आप यूज़ करो एंड डेफिनेटली अफोर्डेबल तो है ही, साथ में आपको अपने स्किन पे इनसे चेंज ज़रूर दिखेगा, आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे, आपकी बॉडी पे, अगर आप इनका स्क्रब भी यूज़ करो, दे हैव देयर स्क्रब ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें थी जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी एंड आई विल मेक DIY मास्क ऑल्सो, आई विल शो यू हाउ टू मेक देम। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज अभी लाइनअप में है, डू वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी, यू कैन नो मी मच बेटर कि मेरी पसंद क्या है, मैं अपने स्किन के लिए क्या यूज़ करती हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके साथ मुझे आज शेयर करनी थी। सो नाउ आई विल बी कैचिंग यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी शेयरिंग मैनी मोर सेल्फ केयर, छोटे छोटे मेकअप ट्यूटोरियल्स, छोटे छोटे एडवाइस, ट्रिक्स एंड टिप्स रिलेटेड टू योर मेकअप, रिलेटेड टू योर सेल्फ केयर, रिलेटेड टू योर ग्रूमिंग, जिसमें हम एक दूसरे से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। सो नाउ लीव फॉर टुडे एंड स्टे सेफ, स्टे होम, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल बटन ऑन द साइड, डू कमेंट दैट वॉट प्रोडक्ट्स यू लाइक एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय। Bye.